हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशियन ऑफ शिक्षा। तो आज हम एम लक्ष्मीकांत का, यानी कि जो एम लक्ष्मीकांत का फिफ्थ पार्ट है लोकल गवर्नमेंट, उसको हम डिस्कस करेंगे, जिसमें दो चैप्टर है। मेनली इसमें हम दो चैप्टर डिस्कस करना था, जिसमें था आपका चैप्टर 38 पंचायती राज सिस्टम, और चैप्टर 39 है हमारा म्यूनसिपैलिटीज। ऑलरेडी आपका चैप्टर 39 डिस्कस कर लिया था विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ, तो इसलिए उसकी वीडियो जब हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर डिस्कशंस किया था, तो उसी के साथ साथ हमने जो चैप्टर 38 था पंचायती राज सिस्टम, उसको हमने कंप्लीट कर लिया था। या आप जब क्लास 6 की एनसीईआरटी की बुक को आप रीड करोगे, तो उसमें भी आपको लोकल गवर्नमेंट में पंचायती राज और म्यूनसिपल पार्टी के बारे में आप रीड करने को आपको बेसिकली मिल जाएगा। अगर आप सिलेबस उठा के देखो, तो पर्टिकुलर एक टॉपिक ही मेंशन है सिलेबस के अंदर कि आपको लोकल गवर्नमेंट में पंचायती राज और म्यूनसिपल पॉलिटीज आपको रीड करना है, यानी कि पढ़ना है। तो यानी कि अगर आप देखो, अगर आप 27 या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर आप एनालाइज करोगे, तो उसमें से कहीं ना कहीं एक दो क्वेश्चन आपको लोकल गवर्नमेंट के रिगार्डिंग में मिल जाएगा। तो इस चैप्टर को, ये जो हमारा चैप्टर है एम लक्ष्मीकांत का, जो पार्ट 5 का जो दो चैप्टर है, चैप्टर 38 और चैप्टर 39, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ऑलरेडी हमने 38 कंप्लीट कर लिया, अब 39 हम डिस्कस कर रहे हैं। ये हमारी जो वीडियो रहेगी दो पार्ट में डिवाइडेड रहेगी, लेक्चर 1 लेक्चर 2 में डिवाइडेड रहेगा। देखिए, लेक्चर 1 में अगर हम बात करें तो क्या क्या डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से जो लोकल पार्टी है, यानी कि जो म्यूनसिपैलिटीज है अर्बन एरिया में जो आपको देखने को मिलता है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे आया, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किए गए। फिर उसमें हम यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन जो म्यूनसिपैलिटीज है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि जो नगर निगम का जो संवैधानिकीकरण है उसके बारे में आपको जो टॉपिक है हिंदी इंग्लिश दोनों में देखने को मिल जाएगा। यदि आप नोट्स बनाना चाहें, अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, तो आप हिंदी मीडियम में भी नोट्स बना सकते हैं, इंग्लिश मीडियम के हैं तो इंग्लिश मीडियम में भी नोट्स बना सकते हैं। ये सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे चैनल है द ओशियन ऑफ शिक्षा करके, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके आप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप टेलीग्राम नहीं चलाते हैं, तो आपको व्हाट्सएप पर भी चैनल बना हुआ है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मेन फीचर के बारे में बात करेंगे, म्यूनसिपैलिटी की क्या क्या मेन फीचर हैं, क्या मेन फंक्शन होता है, स्ट्रक्चर, वार्ड कमेटी के बारे में डिस्कस करेंगे, रिजर्वेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे, टर्म ऑफ म्यूनसिपैलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, इलेक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे, पावर एंड फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। बाकी फिर हम बात करेंगे कि जो आपका ऑडिट एग्जामिनेशन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, बाकी कितने टाइप्स के आपको म्यूनसिपैलिटीज़ देखने को मिलते हैं, ये सब हम लेक्चर 2 में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिस्कशन। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी चीज़ें और बता दूं, जैसे कि देखिए, अगर हम बात करते हैं, सॉरी, यहाँ पे आपका पार्ट 5 होगा, यहाँ पे 4 लिखा है, तो 4 नहीं, ये हमारा एम लक्ष्मीकांत का पार्ट 5 है। इसमें दो चैप्टर हमें डिस्कस करना था, एक था पंचायती राज जो कि ऑलरेडी कम्प्लीट हो चुकी है, दूसरा है हमारा 39 म्यूनसिपल पॉलिटीज़। उसके बाद हम पार्ट जो हमारा 6 होगा एम लक्ष्मीकांत का, उसमें हम डिस्कस करेंगे यूनियन टेरिटरी और जो स्पेशल एरिया है, जिसमें आपका यूनियन टेरिटरी और आपका शेड्यूल एंड ट्रिब्यूनल एरिया आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना आज का डिस्कशन। देखिए, अगर हम बात करें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, तो उसमें क्या था, अर्बन गवर्नमेंस सिस्टम को भी इम्प्लीमेंट किया गया था। अर्बन गवर्नमेंट सिस्टम का मतलब है कि जो शहरी क्षेत्र है, जैसे कि आपका कोलकाता हो गया, मुंबई हो गया, दिल्ली, बेंगलोर, तो ऐसे अर्बन एरियाज में जो गवर्नमेंट सिस्टम है उसको इम्प्लीमेंट किया जाना था। जिसमें अगर हम बात करें कि इसमें आपको 3 मिनिस्टर्स और जो सेंट्रल लेवल पे है वो आपको देखने को मिलेगा, किसमें, जो अर्बन गवर्नमेंट सिस्टम है उसके अंदर। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग अगर बात करें, या मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, तो इस मिनिस्ट्री के द्वारा जो रिस्पॉन्सिबल रहता है कि इंश्योर करे जो भी डेवलपमेंट है अर्बन एरिया के अंदर, अर्बन एरिया के रिगार्डिंग में जो प्लानिंग की जा रही है, और जो कि आपका प्रॉस्पेरिटी है अर्बन रीजन्स में, उसके रिगार्डिंग में किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रखी गई है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी रखी गई है। अगर हम बात करें इसके ओवरसी, जैसे कि इसकी जो देख रेख है वो क्या क्या है, डेवलपमेंट प्लान्स या जो अर्बन सर्विसेज है अर्बन एरिया के अंदर में, उसके बारे में बात रखी गई। देखिए, फिर अगर हम बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की देखें, तो यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या दी गई है, अंडरस्टैंडिंग द सिक्योरिटी एस्पेक्ट जो भी रिलेटेड है हमारे अर्बन गवर्नमेंट्स के, फिर यानी कि जो अर्बन गवर्नमेंट सिस्टम है, इंश्योर करना जो सिक्योरिटी है अर्बन एरियाज की ड्यूरिंग द इमरजेंसी सिचुएशंस के टाइम पे।
फिर देखिए अगर यहाँ पे हम होम मिनिस्टर के रोल की बात करें, तो जो होम मिनिस्टर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या दी गई है, उनकी जो वो एक्शंस ले सकते हैं किसके सिक्योरिटी रीजन में, सिक्योरिटी एरिया में, जस्टिस और सोशल जस्टिस, जो सोशल सिक्योरिटी है उसके रिगार्डिंग में वो क्या कर सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं। कहाँ पे? तो अर्बन गवर्नमेंट सिस्टम के अकॉर्डिंग या अर्बन गवर्नमेंट सिस्टम के अंदर आपको देखने को मिलेगा। देखिए इसकी जो मेन ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का मतलब है जो इसका मेन उद्देश्य है वो क्या करना, सिटीजन की जो सिक्योरिटी है उसको इंश्योर करना और साथ साथ में लॉ एंड ऑर्डर को क्या करना, मेंटेन करके रखना। ये जो तीनों मिनिस्ट्री के बारे में हमने जो भी डिस्कस किया वो काफी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, कोऑर्डिनेटिंग करते हैं, कोऑर्डिनेटिंग और इम्प्लीमेंट जो भी पॉलिसी होता है रिगार्डिंग किसके, अर्बन डेवलपमेंट सिक्योरिटी और सिक्योरिटी एंड गवर्नमेंस अर्बन एरिया के रिगार्डिंग में। तो यानी कि जो 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किया गया था उसके बाद क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, अर्बन एरिया में जो आपको एक लोकल बॉडी गवर्नमेंट देखने को मिलेगी जिसे हम कहते हैं म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। जैसे आप दिल्ली की बात करें तो यहाँ पे क्या है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में एमसीडी काम करती है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। वैसे ही आपको अलग अलग जो शहर है, अलग अलग शहर में आपको अलग अलग म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाएगा। अब देखिए अगर बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ म्यूनसिपैलिटीज, यानी कि जो संविधानिकीकरण है म्यूनसिपल पॉलिटीज का, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, नगर निगम। देखिए अगर हम बात करते हैं जब राजीव गांधी की सरकार थी यानी कि 1989 में, तो उनके द्वारा एक बिल इंट्रोड्यूस किया गया था पार्लियामेंट के अंदर जिसका ऑब्जेक्टिव था गारंटीड कॉन्स्टिट्यूशनल रीऑर्गेनाइजेशन देना, रीऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड कराना, मान्यता देना किसको, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को, कि ये एक संवैधानिक बॉडी है उसके रिगार्डिंग में। फिर देखिए इस बिल को अगर बात करें तो लोकसभा में पास हो गया था, बट अगर हम बात करें तो राज्यसभा में ये पास नहीं हो पाया था। फिर देखिए अगर बात करते हैं 1990 के ड्यूरेशन में जब बीपी सिंह की गवर्नमेंट थी, तो उस टाइम पे ये जो बिल है रिलेटेड म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन फिर से इंट्रोड्यूस किया गया था, बट ये क्या कर गया था, लैप्स कर गया था। और जो फिर यानी कि जब सरकार गिर गई थी तो सरकार गिरने के बाद जो ये बिल है, बिल क्या हो गई थी, लैप्स्ड कर गई थी। फाइनली अगर बात करें 1992 में जब नरसिम्हा यानी कि नरसिम्हा राव जी की गवर्नमेंट थी, तो 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद जो हमारी म्यूनसिपल पार्टीज है या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है उसको क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिकमेंड यानी कि रीऑर्गेनाइजेशन उसे फाइनली मिल गई। तब उसके बाद हमने क्या है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया पार्ट ऐड किया, पार्ट 9A इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जिसमें इंक्लूड किया गया 12th शेड्यूल और आउटलाइन किया गया 18 जो कि फंक्शनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी किसकी, म्यूनसिपल पार्टीज की। तो इस तरीके से आपको क्या है जो म्यूनसिपल पार्टीज है या आप कह सकते हो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है उसको एक कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन यानी कि एक संवैधानिक दर्जा उन्हें मिला। फिर देखिए यहाँ पे आपको हिंदी में भी मिल जाएगा। अब देखिए बात करते हैं इनके मेन फंक्शन क्या क्या होते हैं। देखिए 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 के बाद जो इम्प्लीमेंट किया, जो संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशन रीऑर्गेनाइजेशन मिल गया म्यूनसिपल पॉलिटीज को, तो इस्टेब्लिश हो गई कितनी, 3 टाइप्स की जो अर्बन लोकल बॉडीज है हर एक स्टेट में। जैसे कि आप बात कीजिए, देखिए नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम, ये 3 आपको देखने को मिलेगा। अगर इसमें बात करें दिस प्रेटेंस, ये जो एरिया है इसमें आपको ट्रांजेक्शन फ्रॉम जो रूरल टू अर्बन इनकम्पेजिंग रीजन अंडरगो अर्बनाइजेशन फ्रॉम रूरल एरिया। अब देखिए इसका मतलब क्या है, अगर देखिए नगर निगम की बात करते हैं, एक मिनट, हाँ यहाँ पे देखिए अगर देखिए नगर निगम की बात करते हैं तो ये ऐसे क्षेत्र होते हैं जो कि ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में क्या है इसको बदले जाते हैं। फिर देखिए नगर पालिका परिषद की बात करते हैं तो इसमें क्या आते हैं, आपके जो स्मॉल एरिया होते हैं, स्मॉल अर्बन एरिया होते हैं, तो म्यूनसिपल पार्टी उसमें क्या करती है, जो गवर्निंग करती है, कंट्रोल का काम या जो प्रशासन का काम करती है वो आपका क्या कहलाता है, नगर पालिका परिषद कहलाता है। नगर निगम में बात करें तो इसमें आपके क्या है, बड़े जो स्टेट होते हैं, लार्जर जो अर्बन एरिया होते हैं, इसमें उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, इम्पल्स किया जाता है, यानी कि बड़े जो शहरी क्षेत्र नगर निगम में आते हैं। देखिए अगर बात करते हैं ईच ऑफ दी, जो जितने भी जो अर्बन लोकल बॉडीज है उनका क्या है, खुद का अपना सेट रहता है, यानी कि अपना फंक्शंस रहता है, पावर देखने को मिलेगा और खुद का अपना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देखने को मिलता है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसमें, लोकल गवर्नेंस मैनेजिंग एड्रेसिंग जो भी स्पेसिफिक नीड्स हैं, चैलेंजेस हैं रिस्पेक्टिव जो भी अर्बन एरियाज के अंदर, जो आपको ग्रामीण यानी कि जो गवर्न देखने को मिलेगा उसके रिगार्डिंग में।
फिर देखिए अगर बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की, स्ट्रक्चर यानी कि जो बनावट है, तो ऑल जो मेंबर होते हैं म्यूनसिपालिटी से वो क्या होते हैं, डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, जो कि जनता के द्वारा यानी कि पब्लिक के द्वारा चुने हुए होते हैं। अगर हम ईच म्यूनसिपालिटी की बात करते हैं, वो डिवाइडेड होते हैं इलेक्शंस एरिया, जिसे हम क्या कहते हैं, वार्ड कहते हैं। और जब सिलेक्शंस के बाद जो म्यूनसिपालिटीज है उसका चेयरपर्सन आपको देखने को मिलेगा, जो कि कहाँ से है निकल के आता है, लेजिस्लेटिव असेंबली से निकल करके आता है। वार्ड कमेटी की बात करें, देखिए इसमें जो म्यूनसिपालिटीज रहते हैं, जो पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेगी वो कितना देखने को मिलेगा, 3 लाख या 3 लाख से ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, और जो कि डिवाइडेड रहता है 1 या मोर वार्ड पे, जो कि क्रिएट किया जाता है, फिर क्रिएटिंग होती है वार्ड कमेटी। स्टेट लेजिस्लेचर की बात करें तो वो इस्टेब्लिश कर सकता है जो भी रूल्स है, स्ट्रक्चर्स किसके रिगार्डिंग में, जो कमेटी है या अपॉइंटमेंट ऑफ जो पोजिशंस है वार्ड कमेटी के रिगार्डिंग में आपको देखने को मिलेगा। यानी कि देखिए जो नगर, जिन नगर पालिकाओं की संख्या 3 लाख से अधिक है, तो उनके क्षेत्र को एक या एक से अधिक में क्या है, एक या एक से ज्यादा में हम उसको क्या कर, उसको क्या किया जा सकता है, डिवाइड किया जा सकता है, जिसे हम वार्ड समिति भी कहते हैं, जिससे वार्ड कमिटीज है बनती है। राज्य जो स्टेट लेजिस्लेचर है के द्वारा इन समितियों की क्या है, स्ट्रक्चर्स यानी कि जो संरचना है, तथा उनके पदों की जो नियुक्ति है, नियुक्ति के हेतु क्या करती है, वो कमेटी बनाती है, इस्टेब्लिश रूल इस्टेब्लिश करती है, आपको ये देखने को मिलेगा। फिर देखिए अगर हम बात करें रिजर्वेशंस के बारे में, तो जो प्रोविंस है, प्रोविजन आपको देखने को मिलेगा रिजर्वेशंस आपको जो भी म्यूनसिपल इलेक्शंस है उसके रिगार्डिंग में, तो ये किसके लिए, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और जो वोमेन है उनके लिए आपको क्या है, 33% सीट क्या है, रिजर्वेशंस यानी कि रिजर्व आपको देखने को मिलेगा, 1/3 आपको सीट रिजर्व देखने को मिलेगा, जो भी टोटल सीट्स होती हैं, तो उसमें आपको क्या है, वोमेन की भी जो सीट है वो आपको रिजर्व देखने को मिलेगा। देखिए स्टेट लेजिस्लेचर्स के द्वारा बात करें, वो डिटरमाइन कर सकता है इस रिजर्वेशंस को किसके लिए, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए या वोमेन के लिए, उनकी पोजिशंस के लिए कहाँ, तो म्यूनसिपल चेयरपर्सन के लिए। फिर देखिए अगर हम बात करें किसके बारे में, टाइप्स ऑफ जो म्यूनसिपल पार्टीज यानी कि म्यूनसिपैलिटी है, देखिए अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल के अकॉर्डिंग बात करें, जो प्रिस्क्राइब्ड किया गया है इसमें क्या है, 5 साल के लिए या 5 ईयर के लिए जो म्यूनसिपैलिटी है वो इलेक्ट होके आते हैं। ठीक उसी तरह देखिए, जैसे यदि क्या है वो अपना टेन्योर कंप्लीट करने से पहले अगर डिसॉल्व हो जाते हैं तो वो क्या माना जाएगा, उस टाइम फिर दोबारा से इलेक्शंस होगा, 6 महीने के अंदर अंदर दोबारा से न्यू जो म्यूनसिपैलिटी है उसका इलेक्शंस आपको देखने को मिलेगा। इन अगर हम स्पेशल सर्कमटेंस की बात करते हैं, तो स्टिल 6 मंथ जो रखा टाइम देखने को मिलेगा, स्टिल जो 6 महीने हैं यानी कि विशेष परिस्थिति में जहां पंचायत के कार्यकाल की समिति के समाप्ति के बाद जो 6 महीने शेष बचते हैं, इस समय नई पंचायत का गठन करने की आवश्यकता नहीं होगी। इस स्थिति में नगर पालिका कार्य भी क्या रहेगा, जारी यानी कि कंटिन्यू आपको देखने को मिलेगा, ये देखने को मिल रहा है आपका टर्म्स ऑफ जो भी म्यूनसिपैलिटी है। यानी कि देखिए आप ये समझिए, जो म्यूनसिपैलिटी के मेंबर हैं वो 5 साल के लिए इलेक्ट होके आते हैं, या मान लीजिए अपना टेन्योर कंप्लीट करने से पहले 6 महीना पहले ही क्या होते हैं, वो डिसॉल्व हो जाते हैं, तो उस पर भी क्या है फिर जो इलेक्शंस होगा वो 5 साल कंप्लीट होने के बाद ही होगा, लेकिन 6 महीने तक क्या होगा, वो अपना टेन्योर कंप्लीट करता रहेगा। यही चीज़ यहाँ पे बताया गया कि जहाँ पंचायत के कार्यकाल की समाप्ति के बाद भी 6 महीने शेष हैं, इस समय की नई पंचायत का गठन नहीं किया जाएगा, यानी कि करने की आवश्यकता नहीं होगी, इस स्थिति में जो नगर पालिका का जो कार्य है वो क्या रहेगा, जारी रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। फिर देखिए अगर हम इलेक्शंस की बात करते हैं, इलेक्शंस मतलब जो चुनाव होता है, तो इसमें अगर हम बात करें जो प्रिपरेशंस रहता है, सुपरविजन्स, गाइडेंस, क्रिएटिंग अ वोटर लिस्ट फॉर किसके लिए, म्यूनसिपल इलेक्शंस, जो कि कैरिड आउट रहता है स्टेट इलेक्शंस कमीशंस का। एक चीज याद रखिएगा, जब हमने इलेक्शंस कमीशंस के बारे में डिस्कस किया था, तो उस टाइम पे हमने 2 तरीके के इलेक्शंस कमीशंस होते हैं। एक होता है आपका सेंट्रल लेवल पे, जो कि सारे इलेक्शंस कंडक्ट कराता है, चाहे वो आपका लोकसभा का हो या आपका प्रेसिडेंट का हो, राज्यसभा का हो या स्टेट लेजिस्लेटिव का हो, जितने भी जो इलेक्शंस कंडक्ट कराता है वो कराता है सेंट्रल लेवल का इलेक्शंस कमीशन। लेकिन अगर हम लोकल बॉडी की बात करते हैं, यानी कि जो लोकल गवर्नमेंट होता है, तो लोकल गवर्नमेंट के लिए जो इलेक्शंस कंडक्ट होता है, यानी कि जो म्यूनसिपैलिटी या पंचायत का जो इलेक्शंस कंडक्ट कराया जाता है, वो स्टेट इलेक्शंस कमिश्नर्स के द्वारा कराया जाता है, जो कि अपॉइंटमेंट होते हैं किसके द्वारा, गवर्नर के द्वारा, और वो
अपनी जो सर्विसेज होते हैं यानी कि टर्म्स ऑफ जो सर्विस हैं, जो टेनवर्स है, वो ऑल्सो डिटरमाइंड रहता है किसके द्वारा, गवर्नर के द्वारा। इस प्रोसेस की बात करते जो रिमूवल है इलेक्शंस कमिश्नर ऑफ द स्टेट इलेक्शंस कमिश्नर इज सिमिलर टू प्रोसेस फॉर द रिमूवल ऑफ द हाई कोर्ट जज। यानी कि स्टेट के जो इलेक्शंस कमीशन होते हैं उनको रिमूव करने के लिए वही प्रोसेस रहता है जो कि आपको हाई कोर्ट के जज को हटाने के लिए आपको प्रोसेस देखने को मिलेगा। 74th जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, यानी कि जो 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 1992 में, इसमें प्रिवेंट किया गया कि जो भी इंटरफेरेंस है जुडिशरी, इसके अंदर पंचायत इलेक्शंस मैटर्स, मीनिंग दैट इशू रिलेटेड द एलोकेशंस ऑफ इलेक्शंस एरिया सीट्स कैन नॉट बी ब्रॉट बिफोर द कोर्ट। अब इसका मतलब क्या है देखिए, अगर बात करें जो 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था 1992 में, तो पंचायत के चुनावी मामले में न्यायालय के हस्तक्षेप को यानी कि जो कोर्ट का जो इंटरफेरेंस है उसको रोकता है। अर्थात जो भी निर्वाचन क्षेत्र या जो हम सीट की बात करते हैं, सीट आवंटन यानी कि जो सीट के यानी कि जो आपको एलोकेशंस जो सीट्स देखने को मिलते हैं किससे संबंधित जो भी मुद्दे हैं वो कोर्ट के सामने प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। देखिए आगे देखें, अगर हम पावर एंड फंक्शंस की बात करते हैं तो जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो क्रिएट करता है वेरियस पावर एंड राइट, किसका, तो म्यूनसिपल पॉलिटी अकॉर्डिंग टू जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है, जो भी एनेबलिंग है या जो भी फंक्शंस या जो भी ऑटोनोमस है गवर्नमेंट बॉडी, वो क्या करता है स्टेट लेजिस्लेचर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो पावर है या जो राइट है उसको वो क्या करता है क्रिएट ग्रांट दे सकता है। देखिए बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ प्रोग्राम फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस, यानी कि देखिए अगर बात करते हैं प्रिपरेशंस प्रोग्राम को प्रिपरेशंस करना किसके लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस के लिए। इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ म्यूनसिपालिटी टू प्रिपेयर एंड इम्प्लीमेंट प्रोग्राम फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस एज असाइन टू देम, दिस इंक्लूड 18 सब्जेक्ट अंडर द 12th शेड्यूल। देखिए इसका मतलब क्या है कि म्यूनसिपालिटी की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी दी गई है कि वो क्या करे, प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करे, प्रिपेयर करे किसके लिए, जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है या सोशल जस्टिस है उसके रिगार्डिंग में। अगर हम बात करते जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का 12th शेड्यूल है उसमें क्या है, म्यूनसिपालिटीज के अंदर 18 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगा। फॉर्मेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि जो फाइनेंस कमीशन है ये किसके द्वारा, स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया जाता है। देखिए हर पाँच साल के बाद जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसके द्वारा इस्टेब्लिश किया जाता है फाइनेंस कमीशन, किसके लिए, जो म्यूनसिपैलिटी है किस उसकी जो रिव्यू देख रेख करने के लिए और फाइनेंशियल स्टेटस जो भी म्यूनसिपैलिटी इसका है उसके देख उसकी देख रेख के लिए, या प्रोवाइड या रिकमेंडेशन देने के लिए किसको, गवर्नर को। देखिए फिर बात करते हैं ग्रांट्स इन एड फ्रॉम द स्टेट कंसोलिडेटेड फंड टू द म्यूनसिपैलिटी, यानी कि जो भी ग्रांट दिए जाते हैं, जो ग्रांट या एड दिए जाते हैं वो कहाँ से दिए जाते हैं, स्टेट यानी कि कंसोलिडेटेड फंड से म्यूनसिपैलिटीज को दिया जाता है। देखिए मेजर्स नेसेसरी फॉर इम्प्रूविंग द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द म्यूनसिपैलिटी, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी फॉर द म्यूनसिपैलिटीज और पंचायत। अब देखिए इसका मतलब क्या है, देखिए अगर बात करें राज्य की सूची जो राज्य की संचित निधि से जो नगर पालिका को दिए जाने वाला जो सहायता अनुदान है, नगर पालिका की जो वित्त स्थिति को सुधार के लिए आवश्यक उपाय और नगर पालिका या पंचायत की अधिक वित्तीय स्वायत्तता के रिगार्डिंग में आपको देखने को मिलेगा। फिर देखिए अगर बात करते हैं ऑडिट एग्जामिनेशन जिसे हम लेखा परीक्षण भी कहते हैं, तो देखिए जो नगर जो म्यूनसिपैलिटीज़ है यानी कि जो नगर पालिका के जो खाते हैं कि खातों की यानी कि जो आपका जो ऑडिट आपको देखने को मिलेगा उसके एग्जामिनेशंस के लिए जो लेजिस्लेटिव है यानी कि जो लेजिस्लेचर है के द्वारा क्या है प्रावधान प्रोविंस बनाया जा सकता है। देखिए पंचायती राज की बात करते तो वो रिलेटेड है किसके लिए, अगर देखिए अगर हम बात करें जो केंद्र प्रशासित प्रदेश है से संबंधित आपको क्या है पंचायती राज देखने को मिलेगा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं किसी भी राज्य क्षेत्र में क्या है राज्य के क्षेत्र में आपदाओं या संशोधन को लागू करने के लिए दिशा निर्देशक दे सकता है। यह अधिनियम अनुसूचित जनजाति यानी कि जो शेड्यूल कास्ट है शेड्यूल ट्राइब्स है क्षेत्रों पर ये लागू नहीं होता है। यानी कि ये देख सकते हैं जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है इस डायरेक्शन इशू कर सकता है एप्लीकेशन ऑफ इंगेज यानी कि इनहैक्टमेंट और अमेंडमेंट एनी यूनियन टेरिटरी हमारे देश के अंदर जो भी आपको देखने को मिलेगा।
तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का डिस्कस, जिसमें हमने म्यूनसिपैलिटीज के बारे में कुछ चीज़ें डिस्कस की, जिसमें जैसे कि आपकी जो टॉपिक थे ऑडिट एग्जामिनेशंस, उनके जो पावर एंड फंक्शंस है, इलेक्शंस, टेन्योर, रिजर्वेशन स्ट्रक्चर, वार्ड कमेटी, मेन फीचर्स ऑफ म्यूनसिपैलिटी, इस यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ म्यूनसिपल पॉलिटीज, ये सारे टॉपिक आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया। मैं उम्मीद करता हूँ आज जो भी हमने डिस्कस किया वो आपको प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। यदि कोई भी डाउट हो तो आप अपने डाउट कमेंट बॉक्स में लिखें। जब इसका लेक्चर 2 आएगा तो उससे पहले हम कोशिश करेंगे जो आपका डाउट है वो क्लियर किया जाए। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के रिगार्डिंग में कोई भी सजेशन देना है, कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, टेक केयर, जय हिंद।